हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। दोस्तों, इंडिया में एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए चार प्रकार के इंस्टीट्यूशन होते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो के जरिए हम ये जानेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ऐसे नौ कौन से स्टेट हैं जो अदर स्टेट कैंडिडेट को अपने स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अलाउ करते हैं। तो आइए जानते हैं इन चारों प्रकार के इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम लेके आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज की डेट में इंडिया में 272 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 41,378 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट हैं। इन 41,378 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट पर 15% इन सीटों पर जेएनके को छोड़कर बाकी सभी स्टेट के सभी कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों। यानी कि इन 15% सीट पर अदर स्टेट कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। बाकी जो 85% सीट्स हैं, इनमें जिस स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज है उसी स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट एलिजिबल हैं। मान लो जीएमसी रतलाम में 100 सीट हैं, तो 15 सीटों पर तो इसमें जेएनके को छोड़कर अदर स्टेट के कैंडिडेट एडमिशन लेंगे, मगर 85 सीट पर एमपी स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट ही एडमिशन लेंगे, क्योंकि ये एमपी स्टेट में स्थित है। अब हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। तो इंडिया में एमबीबीएस के लिए बीएचयू, एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। इनमें ऑल इंडिया का कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा एम्स व जिपमर में भी ऑल इंडिया का कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है। बीएचयू या एम्स में कोई भी स्टेट कोटा नहीं होता है। इनकी 100% सीट पर ऑल इंडिया कैंडिडेट एडमिशन लेंगे, मगर एएमयू में कुछ सीट इंटरनल कोटा की होती हैं। इंटरनल कोटा का मतलब होता है कि एएमयू से जिन्होंने 11वीं 12वीं क्लास की है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर स्कूल की है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और जिपमर में कुछ सीट के लिए पुडुचेरी डोमिसाइल कैंडिडेट का कोटा होता है। अब हम बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। तो दोस्तों, जिस स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होती है उस स्टेट के कैंडिडेट इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 100% सीट पर एडमिशन लेते हैं। 9 स्टेट ऐसे हैं जहां की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अदर स्टेट के कंडीशन एडमिशन लेते हैं। तो कौन कौन से वो कैंडिडेट्स हैं, कौन कौन से वो स्टेट हैं जहां अदर स्टेट कैंडिडेट एडमिशन लेंगे? तो सबसे पहले कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु और त्रिपुरा, ये 9 स्टेट हैं जहां की प्राइवेट कॉलेज में अदर स्टेट कैंडिडेट भी एडमिशन ले सकते हैं। इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस ज़्यादा होती है, इसी कारण इसकी कट ऑफ भी कम रहती है। जिस कॉलेज की जितनी ज़्यादा फीस होगी उतनी ही कम कट ऑफ जाती है। अभी हम बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटी की। तो इंडिया में टोटल 34 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। इन सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी में 100% सीट पर ऑल इंडिया कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कोई स्टेट कोटा नहीं होता है। इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, कट ऑफ काफ़ी कम रहती है, मगर जो टॉप की डीम्ड कॉलेज हैं जैसे केएमसी मणिपाल हो गया, तो इनकी कट ऑफ हाई रहती है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कि इंडिया में एडमिशन प्रोसीजर के बारे में कि कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।